नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नगर निकाय चुनाव में प्रदेश के 3 जनपदों का भ्रमण रहा, जिसे बाराबंकी, मिर्जापुर एवं अयोध्या जनपद शामिल है। अयोध्या में मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष एवं छोटी छावनी के प्रमुख पूज्य नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें अयोध्या के संत महापुरुष पूज्य महंतों एवं प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री जी ने संतों का स्वागत करते हुए कहा कि अयोध्या 500 वर्षों से उपेक्षित थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने दीपोत्सव 2017 में शुरू किया। छठवें दीपोत्सव में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको गरिमा प्रदान की। अयोध्या की पहचान साधु महात्माओं, दीपोत्सव आदि से बनी है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो सभी के आस्था का केंद्र है। इस अवसर पर पूज्य संत नृत्य गोपाल दास जी, उत्तराधिकारी कमल नैन जी, राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय जी सहित सभी सहयोग की सराहना करता हूं, जैसे कि रामराज के निर्माण में स्थानीय चुनाव में सहयोग करें, इस कार्यक्रम के साथ अयोध्या के विकास में अपना सहयोग करें। मुख्यमंत्री के आगमन में शासकीय ड्यूटी में सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात रहे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना हुए। उक्त अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री एवं जनपद के प्रभारी सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए सुदीप विश्वास की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।